ऐप रूट के बाद अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स की। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट में जो मॉडिफिकेशंस हैं उसमें पहले हम बात कर रहे हैं फॉर द फूड स्टोरेज, राइट। वो एडवेंटिशियस रूट्स जो फूड के स्टोरेज में हेल्प कर रही हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती हैं ट्यूबरस रूट्स। ठीक है, ट्यूबरस रूट जो है इनकी खास बात है कि इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। टैप रूट में भी एक मॉडिफिकेशन है ट्यूबरस रूट के नाम से। तो सच एडवेंटिशियस रूट्स आर स्वेलन, ये फूली हुई हैं, फ्लैशी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फूड स्टोर कर रही हैं तो ये थिक होंगी, लेकिन इनकी कोई फिक्स शेप नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, राइट। अब आती है नंबर टू, फैसिकुलेटेड रूट्स। देखिए, फैसिकुलेटेड रूट और ट्यूबरस रूट दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ अंतर ये है कि जो फैसिकुलेटेड रूट हैं वो हैं बंच ऑफ ट्यूबर्स। देखिए, इस डायग्राम में आपको यहाँ दिख पाएगा कि एक स्टेम है, स्टेम के बेस से इकट्ठे ही, एक ही स्टेम से बंच ऑफ ट्यूबर्स अराइज हो रहा है। ट्यूबरस रूट में तो एक-एक ट्यूबर जो था वो अलग था, अकेला था, लेकिन फैसिकुलेटेड रूट्स में यहाँ पर बेस ऑफ स्टेम से बंच ऑफ ट्यूबर जो है वो अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये बंच में पाए जाते हैं, क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सेवरल ट्यूबरस रूट अकर इन अ क्लस्टर एट द बेस ऑफ स्टेम। ये ट्यूबरस रूट का बंच है, ग्रुप है, गुच्छा है, जिसको हम बोल देते हैं फैसिकुलेटेड रूट्स। एग्जाम्पल है इन एस्परगस एंड इन डहेलिया। ठीक है, एस्परगस को कॉमनली बोलते हैं शतावरी, आपने अगर कभी नाम सुना हो तो। शतावरी का पौधा जो होता है उसमें जो रूट हैं वो फैसिकुलेटेड रूट हैं। ठीक है, बेसिकली दीज आर बंच ऑफ ट्यूबरस रूट और ट्यूबरकुलेटेड रूट्स का ये बंच है। नंबर थ्री पे यहाँ आ जाती हैं नोड्यूलोज रूट। ठीक है, नोड्यूलोज रूट हैं यहाँ पर। इन सच मॉडिफिकेशंस द सिलेंडर रूट बिकम सडनली स्वेलन नियर द एपेक्स। जो रूट का एपेक्स पार्ट है, आप देखिए ये एपेक्स पार्ट है रूट का, तो एपेक्स पार्ट पे ये थिक हो जाती है। पूरी की पूरी जो रूट है, जो पूरी की पूरी ब्रांच है, वहां पर कोई फर्क नहीं है, केवल जो उसका एपेक्स है, जो उसका एंड पोर्शन है, जो उसकी ग्रोइंग टिप है, वहां पे जाके फूड जो है वो स्टोर हो जाता है। तो ऐसी रूट को कहा जाएगा नोड्यूलोज रूट। एग्जाम्पल होगा मैंगो जिंजर, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, एंड दिस इज मैंगो जिंजर। एक्चुअली में ये ऐसा है जो इसका प्रोडक्ट है, बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ आप रूट फाइबर्स देख रहे हैं जिनके एंड पोर्शन जो है वो थिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मॉलिनी फॉर्म रूट्स और बीडिड रूट्स। इनको बीडिड कहा जाता है इनके अपियरेंस की वजह से। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो आप पाएंगे कि जो रूट है वो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पर जाकर थिक हो जाती है ना, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो थिक हैं, फ्लैशी हैं, तो दूर से देखने में है ना मोती जैसे लगते हैं कि किसी धागे में जो है वो रेगुलर इंटरवल पे मोती प्रेजेंट है। ठीक, तो इन सच मॉडिफिकेशन द रूट्स देर आर सम स्वेलिंग्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, है ना, वो फूला हुआ है कुछ कुछ गैप्स पर, एंड द रूट्स आर टर्म्ड मॉलिनिफॉर्म्स और बीडेड रूट्स। एग्जाम्पल है मॉरमॉर्डिका। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट जो है लास्ट वो है एन्यूलेटेड रूट्स। एन्यूलेटेड रूट्स वो हैं जहां पर रूट्स पर आपको रिंग्स दिखाई देंगी। देखिए लाइक दिस, यहाँ पर जो रूट आप देख रहे हैं, इन रूट में आप पाएंगे कि रेगुलर इंटरवल्स पर आपको ये रिंग्स दिखेंगी, छल्लेदार स्ट्रक्चर दिखेंगी। डायग्राम में ऐसा है ये, रियलिटी में भी अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको रिंग्स जैसी अपीयरेंस दिखेगी, है ना। तो वेन द रूट्स
possess a series of ring like swellings on its body. It is known as annulated root. ठीक है, रिंग लाइक अपीयरेंस जो है वो रूट पर पाई जाएंगी, तो एन्यूलेटेड रूट कहलाएगी. डन.